सो हे गाइज, वेलकम टू द गाड़ी वाला। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं महिंद्रा XUV 3XO, जो कि अपना MX3 प्रो वेरिएंट है। ये अपना मिड वेरिएंट बोल सकते हैं अपन, जिसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 11,39,000 और अपना ऑन रोड प्राइस पड़ता है हमें अराउंड 13.5 लाख समथिंग। अपना कुछ डिस्काउंट वो सब चलता रहता है, तो आप आ सकते हैं। अभी हम स्टार ऑटोमोबाइल महिंद्रा पे खड़े हुए हैं अपना छतरपुर में, और यहाँ हम ये अपनी कार का रिव्यू करेंगे। इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेक्स, बोनट, सब कुछ हम बूट स्पेस सब कुछ चेक करेंगे डिटेल में, सब कुछ फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में जुड़े रहिए। अगर आपको ये इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आप इस कार से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो वीडियो को पूरा देखें, और मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू गाड़ी वाला। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपन साइड में आ जाते हैं। साइड में हमें ऐसा कुछ व्यू मिलने वाला है अपना महिंद्रा 3XO मिड वेरिएंट MX प्रो का। देख पा रहे होंगे आप साइड से कैसा कुछ व्यू मिलने वाला है हमें। और ये अपना देखिए आप, जो अपना साइड मिरर मिलने वाला है अपना, ये ब्लैक ग्रिल, ब्लैक अपना जो अपना ग्रिल मिलने वाली है, नीचे अपन को टायर के ऊपर कवरिंग मिल जाएगी। और अब अपन आ जाते हैं फ्रंट में, और फ्रंट से हमें कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला है। अपन देखते हैं, ये अपना महिंद्रा का लोगो रहने वाला है, अपनी एज यूजुअल महिंद्रा की यही क्रोम फिनिश वाली ग्रिल रहेगी, नीचे XUV 3XO की बैजिंग, ऊपर अपना बोनट, और ये अपना राइट लेफ्ट साइड में अपना LED प्रोजेक्टर विथ DRL रहने वाला है। नीचे अपना फॉग लैंप का स्पेस है, नीचे अपना फॉग लैंप भी रहता है। ये अपना मिड वेरिएंट है। मिड वेरिएंट में अपन MX 3 Pro को देख रहे हैं अपन, इसका अपन पूरा वॉक अराउंड देखेंगे। इसमें अपन को एलॉय व्हील मिलने वाला है, देख पा रहे होंगे आप। अपन इसका टायर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। टायर प्रोफाइल जो रहने वाली है वो अपन को मिलने वाला है, टायर प्रोफाइल रहेगा 205/65R16 इंच का रहेगा। और अब अपन साइड व्यू के बाद अपन चलते हैं बैक में, और बैक से कुछ देख लेते हैं कि बैक से कैसा कुछ हमें व्यू मिलने वाला है अपना MX 3 Pro का। और ये XUV 3XO की बैजिंग, ऊपर महिंद्रा का लोगो रहने वाला है, नीचे अपना XUV 3XO की बैजिंग, नीचे अपना बोनट जो ब्लैक रहने वाली है, ब्लैक फिनिश देख पा रहे होंगे। बैक में जो अपनी लाइट रहने वाली है वो कनेक्टेड बैक DRL रहने वाली है, पूरी आपको दिख रही होगी कनेक्टेड DRL पूरा यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये अपना स्टार ऑटोमोबाइल बैजिंग रहेगी, और ये अपना नीचे बैक लाइट, ऊपर भी ब्रेक लाइट रहने वाली है, ऊपर अपना रूफटॉप एंटीना रहने वाला है। अब अपन गाड़ी की से स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं सबसे पहले। तो अपन चेक कर लेते हैं गाड़ी को अनलॉक करके, इंटीरियर में चलते हैं अभी। तो ऐसा कुछ हमें इंटीरियर के व्यू मिलने वाला है। गेट है जो अपना ऑलमोस्ट 80-90 degree ओपन हो रहा है, और लाइक आप काफ़ी स्पेशियस फील होगा आपको गाड़ी में बैठने के बाद। तो अभी अपन गाड़ी में एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद देखते हैं कैसा कुछ हमें इंटीरियर व्यू मिलने वाला है अपन को अंदर से। ये देख पा रहे होंगे अपना महिंद्रा XUV 3XO का इंटीरियर व्यू, ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है। और ये अपना देख पा रहे होंगे आप, अभी की इंसर्ट करके मैं आपको बता देता हूँ कैसा कुछ अपना वेलकमिंग फंक्शन इस गाड़ी में हमें मिलने वाला है। महिंद्रा ने एक चीज़ अच्छी की है, रात में जब आप गाड़ी में की इंसर्ट करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। महिंद्रा ने ये चीज़ अच्छी की है कि अपनी हर गाड़ी में ये जो अपना की इंसर्ट करने का बटन है वहाँ पर लाइट इंसर्ट कर दी है, ताकि आपको लाइट से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अपना हो चुका है ऑन, इंटीरियर देख पा रहे होंगे अभी आप, और इसका अपन एसी ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए आप लाइक कितना प्रीमियम क्लास फील हो रहा है, लाइक गाड़ी का डिस्प्ले, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, बीच में आपको ट्रिप एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, किलोमीटर, सारा कुछ, गेट लॉक अनलॉक सब कुछ दिख रहा है। और इस वेरियंट में हमें सनरूफ भी मिलने वाला है अपना। तो ये अपना महिंद्रा का बैजिंग रहने वाला है। लेफ्ट साइड में अपन को वॉइस कंट्रोल, अपना वॉल्यूम अप डाउन, म्यूज़िक प्ले बटन, पॉज, अपना वॉइस कनेक्ट डिसकनेक्ट सारा कुछ फंक्शनिंग लेफ्ट में रहेगा। राइट में एज यूजुअल अपना क्रूज कंट्रोल सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टेयरिंग के बाद अपन आ जाते हैं अपने वाइपर पे, तो लेफ्ट साइड में अपन को वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। राइट साइड में अपन को हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे रहने वाले हैं। लेफ्ट साइड में अपन आ जाते हैं तो ये अपना इंफोटेनमेंट स्क्रीन रहने वाली है।
इंफोटेनमेंट स्क्रीन को अपन आ चुके हैं, ये देखिए आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसमें हमें रेडियो मीडिया फ़ोन सब कुछ मिलेगा। डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है इसका, और लाइक मुझे काफ़ी एक बोल सकते हैं फ्यूचरिस्टिक कार जैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये जो अपना न्यू मॉडल अपडेटेड 2024 मॉडल है अपना XUV 3XO का, और इसमें अपन को वायरलेस चार्जिंग, USB सॉकेट और अपना जो सारे AC के कंट्रोल्स हैं वो नीचे मिलने वाले हैं अपन को। ऊपर अपना टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ से आप एयरबैग, आपको जो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं आप जो रहने वाला है। ये अपना ट्रिप सेट वगैरह यहाँ कुछ दिए गए हैं, इसके फंक्शनिंग यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर अपन को AC के वेंट्स मिल जाएंगे, ऊपर अपना म्यूज़िक इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि काफ़ी बड़ी है, काफ़ी प्रीसियस फील हो रही है, अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। लेफ्ट साइड में अपना एक ब्लैक क्रोम फिनिश टाइप दी गई है, जो कि डॉटेड ये इंटीरियर को एक एनहेंस कर देती है। नीचे अपन को ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, ग्लव बॉक्स इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये मैंने इस किसी भी गाड़ी में नहीं देखा। ये देखिए आप जरा ग्लव बॉक्स देखिए भाई साहब, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स दे रखा है इन लोगों ने कि लाइक आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, बड़े से बड़ा बैग आपका इजी टू चला जाएगा, इजी टू कैरी होगा, और काफ़ी अच्छा यूज़ किया है इन्होंने स्पेस का और बहुत इजी टू ऑपरेट है। और इसके ऊपर आ जाते AC वेंट्स लेफ्ट में मिलने वाले हैं, ऊपर अपना मैनुअल IRVM रहने वाला है, मैनुअल एडजस्टेबल रहेगा नाइट IRVM। ये अपना सनग्लास होल्डर रहेगा इसके ऊपर, और ये अपने जो लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पर रहने वाली हैं दोनों लाइट्स, और यहाँ से अपन ऑन कर सकते हैं दोनों। ये अपना सनशेड ओपन हो चुका है, देख पा रहे होंगे अभी आप, ये सनशेड ऑन ऑफ फंक्शनिंग है। ये देखिए आप सनशेड है, यहाँ मिल जाएगा सनशेड के कंट्रोल यहाँ आएंगे। ये माइक की प्लेसमेंट है, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आपको ये अपना सनशेड मिल जाएगा। ये अपना लेफ्ट में भी अपन को विथ मिरर सनशेड रहने वाला है, और इसके बाद अपन आ जाते हैं अपना राइट में, तो राइट में स्टार स्टॉप बटन रहने वाला है अपना, ये हेडलाइट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये अपना AC वेंट्स के कंट्रोल। राइट साइड में अपन को गेट में लॉक अनलॉक और जो भी सारे अपने विंडो के कंट्रोल्स हैं वो हमें यहाँ मिलने वाले हैं, लॉक, चाइल्ड लॉक, मिरर लॉक, सारा कुछ हमें यहाँ मिलेगा, और मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ आने वाला है, डोर अनलॉक। राइट में थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, कुछ रख सकते हैं यहाँ, बॉटल होल्डर रख सकते हैं दो, बोनट का यहाँ पर लीवर दे रखा है नीचे। ये अपना 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स में आने वाली है, और ये अपने डीजल कार है, ये अपने डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल डीजल दोनों में आता है ये, बट ये डीजल वेरिएंट है इसका हम रिव्यू देख रहे हैं अभी। ये अपना नीचे हैंड ब्रेक, गियर लीवर, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ अपना स्मार्ट जो बोल सकते हैं वाईफाई चार्जिंग है यहाँ पे दे रखी है, यहाँ दो अपने ग्लास होल्डर हैं। ये अपना आर्मरेस्ट दे रखा है, आर्मरेस्ट अपना नॉन स्लाइडेबल है, लेकिन आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ हाथ रखने में एक अच्छा फील हो रहा है मुझे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस एनहेंस हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। महिंद्रा ने ये चीज़ अच्छा किया है कि लाइक इस चीज़ की ध्यान रखते हुए किया है। अब अपन चलते हैं बैक में, और बैक से कुछ व्यू देख लेते हैं कि कैसा कुछ हमें व्यू मिलने वाला है अपने बैक से। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आपको अपना सन मतलब जो बोल सकते हैं अपना हेडरूम स्पेस देख पा रहे हो, कितना कुछ हेडरूम स्पेस मिल रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा डिसेंट इनफ है, लाइक मैं कम नहीं बोलूँगा इस चीज़ को। और अब अपन आ जाते हैं अपना बैक से अपन इंटीरियर व्यू देखते हैं, और बैक से अपना कितना कुछ कंफर्टेबल्स हैं सीट वो सब चेक करेंगे। ये देखिए आप बैक से हमें ऐसा कुछ व्यू मिलने वाला है अपना महिंद्रा 3XO MX3 Pro का डीजल वेरियंट, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स के साथ में आने वाली है ये गाड़ी, डीजल वेरियंट है ये अपना, और ये व्यू रहने वाला है। पीछे पैसेंजर्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है, अपना चार्जिंग के लिए टाइप सी और 12 वोल्ट सॉकेट दोनों दिए गए हैं, फ़ोन प्लेस कर सकते हैं यहाँ चार्जिंग के लिए, यहाँ AC वेंट्स दिए गए हैं। और स्पेस देखिए भाई साहब, कितना कुछ स्पेस मिलने वाला है यार, हमें कितना सही लग रहा है यार, मैं पूरा आराम से कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ, इवन मेरा हेड फिर भी टच नहीं हो रहा है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मैं गोल्डन अप बोलूँगा इस प्राइस सेगमेंट में। और ये देखिए आप जो अपने ग्रैब हैंडल्स हैं इनकी क्वालिटी भी, ऊपर अपनी लाइट की प्लेसमेंट भी सही है, और ये अपना छोटा है लेकिन सही है, गुड इनफ है, लाइक इस कार के हिसाब से अच्छा लगा मुझे ये अपना जो सनरूफ है। लेफ्ट साइड में स्पीकर की प्लेसमेंट, गेट लॉक अनलॉक, लेफ्ट में भी ग्रेव हैंडल्स मिल जाएंगे। एक चीज़ इन्होंने अच्छा किया है, जो टेक्सचर है ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील हुआ, इवन ये हल्का सा नीचे किया गया है ताकि आपका जो सनशेड है वो यहाँ बैक में आ जाके सपोर्ट हो जाए। और पीछे वाले पैसेंजर्स का पूरा ध्यान रखते हुए, इवन हाइटेड भी आपकी 6 feet हाइट है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई आपको एज यूजुअल इशू नहीं आने वाला। ये अपना बैक से ऐसा कुछ व्यू मिलने वाला है, अपनी सीट्स की कंफर्टेबिलिटी में काफ़ी अच्छे बोलूँगा, सीट्स में एज यूजुअल कोई इशू नहीं है, आप 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हैं सीट्स को, पूरा आप बूट स्पेस चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं बैक से और अपन बूट स्पेस चेक कर लेते हैं, बूट स्पेस कितना कुछ मिलने वाला है हमें। तो यहाँ से अपन बूट स्पेस चेक कर लेते हैं गाड़ी का, ये अपन बोनेट ओपन कर देते हैं, सॉरी ना बैक ओपन कर देते हैं,
और ये देखिए आप भाई साहब, आप इसका 60-40 स्प्लिट करके पूरा यूज़ कर सकते हैं वुड स्पेस को, और बाकी आपको काफ़ी कुछ इनफ डिसेंट इनफ बोल सकता हूँ मैं। और नीचे अपना जो अपना स्पेयर व्हील रहेगा वो अपना यहाँ मिल जाएगा आपको, जैक वगैरह एंड ऑल सब कुछ यहाँ प्लेसमेंट रहेगी, और ये आप इसको कवर करके और पूरा वुड स्पेस यूज़ कर सकते हैं। साइड में अपना टोइंग हुक का आएगा एक छोटा सा, आप यहाँ कुछ प्लेस कर सकते हैं, टांग सकते हैं, यहाँ भी आपको पता नहीं है किस पर्पज़ से दिया गया है। और ये जो अपने हाइड्रोलिक जो ये दिए हैं ना, ये चीज़ मैं एक अपर सेगमेंट गाड़ी के लिए बोलूँगा, लाइक कहाँ यार भाई साहब अपन पकड़ के घूमेंगे ऐसे करेंगे, लाइक आराम से आपका ये बहुत इजी टू ऑपरेट होता है और काफ़ी इजी टू क्लोज भी होता है, लाइक यहाँ से आप पकड़ के बंद भी कर सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं बोनट में और बोनट ओपन करके इंजन स्पेक्स चेक कर लेते हैं क्या कुछ हमें इंजन स्पेक्स मिल जाएगा इसमें। तो अब अपन बोनट ओपन कर लेते हैं और बोनट से अपन इंजन देख लेते हैं, इंजन कितना कुछ स्पेसियस है। लीवर इसका ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये आप ऐसे पुल करेंगे, लाइक ये नॉर्मली ये पुल करना पड़ेगा। और अब इसके बाद अपन ये DRLs ऑन हो चुके हैं और अब अपन इसको दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आप भाई साहब बोनट, बोनट यार काफ़ी हैवी है, मैं नॉर्मली एक हाथ से उठा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी वो लग रहा है। इवन जो अपना स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में जो हाइड्रोलिक आते थे वो इसमें नहीं रहेंगे, अपने बैक बस में रहेंगे। ये चीज़ मैं बोलूँगा ये देनी चाहिए थी, इस चीज़ से काफ़ी ईजी हो जाता है आपका बोनट ओपन वगैरह करने के लिए। बाकी जो इंसुलेशन है अपने इंजन का आप देख पा रहे होंगे, अपना जो कवर है इंजन का ये भी कवर काफ़ी अच्छा प्लेस किया गया है ताकि इंजन में एज यूजल डस्ट और पानी धूल ये सब चीज़ें ना आएँ। और ये महिंद्रा का देख पा रहे होंगे आप इंजन प्लेसमेंट, बैटरी रहने वाली, फ्यूज़ बॉक्स अपना राइट में मिल जाएगा अपन को, ये अपना फ्लूइड वगैरह, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल सब कुछ यहाँ में प्लेसमेंट मिलेगी। तो ये रहने वाला है अपना इंजन, जो कि आपका जो इंजन स्पेक्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू गाड़ी वाला, और हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग कंटेंट और अमेजिंग नेक्स्ट वीडियोज़ लेते आते रहेंगे। और आपके लिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। अब अपन नेक्स्ट गोल 200K का रखते हैं और जल्दी से आपके सपोर्ट से 200K क्रॉस करते हैं। तो बोनट को क्लोज करते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये कुछ हमें मिलने वाला है अपना XUV 3XO, अपना MX3 Pro वेरिएंट का वॉक अराउंड रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ हमने प्राइस चेक किया। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं नंबर डाल दूंगा यहाँ का, आप कॉल कर लीजिएगा और आपकी कोई क्वेरी है तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ड्राइव सेफ, राइड सेफ, जय श्री राम।